क्या आप एक स्पा चलाते हो और चिंतित हो कोविड-19 से बिजनेस में हो रहा है नुकसान को लेकर? तो इस वीडियो से आपको आगे की रणनीति बनाने में मदद मिल सकते हैं। हम बहुत सारे न्यूज जर्नलिस्ट और हमारे गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी के बात को गहराई से समझकर स्पा एंड मसाज इंडस्ट्री को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए कुछ फ्यूचर स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हो कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के तरफ से किस तरह का कस्टमर सेफ्टी एडवाइजरी आ सकता है बिजनेस को दोबारा से चालू करने के लिए और क्या प्रिकॉशंस आपको अभी से लेना चाहिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हो तो बता दूं, हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एजेंसी है, नाम quicksetup.co.in। तो अब हम स्पा इंडस्ट्री के ऊपर किया गया हमारे रिसर्च के बारे में आपको बताएंगे। किसी भी इंडस्ट्री को एनालिसिस करने से पहले हमें इंडस्ट्री के कस्टमर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझना जरूरी हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले इस इंडस्ट्री के कस्टमर बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया ताकि पता चले आने वाले दिनों में कस्टमर बिहेवियर में किस तरह का बदलाव देखा जा सकता है। जिससे पता चला बेसिकली 3 एडवांटेज के वजह से कस्टमर लॉकडाउन से पहले स्पा में आना पसंद करते थे और पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते थे। फर्स्ट, रिजुविनेट, सेकंड, रिलैक्सेशन और थर्ड, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद सिर्फ इतना एडवांटेज काफी नहीं होगा कस्टमर को स्पा तक लाने के लिए, क्योंकि अब कोरोना वायरस के वजह से लोग एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने के लिए लंबे समय तक डरा रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अब वही बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे जहां पर कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में किसी भी तरह का क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जैसे कि जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, कॉल सेंटर एंड ऑनलाइन सर्विसेज। कुछ बिजनेसेस ऐसा है जहां पर कस्टमर के क्लोज कॉन्टैक्ट आना तो पड़ता है, लेकिन कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ किया जा सकता है, जैसे सलोन, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट आदि। यहां पर भी वही बिजनेस कस्टमर लाने में सक्षम होगा जो कस्टमर को भरोसा दे पाएंगे कि वह उनके शॉप में बिल्कुल सेफ है। और जो बिजनेस कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए बिना हो ही नहीं सकता है, जैसे मसाज एंड स्पा ट्रीटमेंट, क्योंकि यहां पर आप मसाज के दौरान हैंड ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए कस्टमर्स स्पा आने से पहले अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित हो सकता है और इसका असर आने वाले दिनों में सीधा सीधा आपके इनकम के ऊपर आएगा। इस तरह के बिजनेसेस को काफी लंबा वक्त तक स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि इस सोशल डिस्टेंसिंग अब लोगों के दिमाग में काफी लंबा वक्त तक रहने वाला है। इसलिए हमारा मानना है कुछ नया कस्टमर एडवांटेज आपके सर्विसेज में जोड़ देना चाहिए जिससे कस्टमर पहले के जैसा कंफर्टेबल हो जाए आपके स्पा आने को लेकर। सबसे पहले आपको आपके स्पा के अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। मसाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले ज्यादा से ज्यादा मटेरियल डिस्पोजेबल होना चाहिए। कस्टमर आने पर उन्हें सैनिटाइजेशन करके अंदर लेने का इंतजाम करवाना पड़ेगा। टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मल स्कैनर का इंतजाम करना पड़ेगा। और यह सारे प्रिकॉशंस के बारे में वीडियो बनाकर आपके कस्टमर तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना है, जिससे कस्टमर के मन में आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज बना रहेगा। और आपके लोकल एरिया के लिए गूगल और फेसबुक से पेड ऐड खरीदकर अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपके स्पा एक ब्रांड बन के उभर आए और हजारों लोगों के दिमाग में मसाज का ख्याल आए तो आपके स्पा का नाम सबसे पहले नजर के सामने आ सके। तो बिना समय बर्बाद किए आपको इस लॉकडाउन के अंदर पूरा तैयारी कर लेना चाहिए। अगर आप कुछ इस तरह का सक्सेसफुल कैंपिंग को फॉलो करें तो आप और भी आसानी से इसके फायदे समझ सकते हो, जैसे डोमिनोज पिज्जा जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी कैंपिंग, इसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि। और यह सारे कंपनी फिलहाल तो घाटे में चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अपने कस्टमर बेस बनाने के लिए लगातार इस तरह के ऐड कैंपिंग कर रहा है ताकि कस्टमर उन्हीं के साथ बना रहे। अभी स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कैंपिंग चलाने के लिए आपको किस तरह का प्रिपेयरिंग होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, और नहीं है तो तुरंत बना लीजिए, क्योंकि अब एक नया कस्टमर सिर्फ फोन पर बात करके स्पा तक नहीं आएंगे, वह पहले इंटरनेट पर आपके स्पा के बारे में रिसर्च करेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे आपके स्पा के अंदर के सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। और अगर उनको आपके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिले इंटरनेट पर तो वह कस्टमर आपके कम्पेटिटर के पास भी जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, सिर्फ 1500 रुपए से भी कम प्रतिमाह एक अच्छे इन्फॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट रन करा सकते हो। नंबर 2, वेबसाइट के ऊपर SEO करवाइए, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे गूगल के अंदर किसी भी व्यक्ति मसाज एंड स्पा के बारे में किसी भी तरीके का सर्च करें तो गूगल आपके वेबसाइट को सबसे ऊपर लेकर आएंगे, जिससे कस्टमर और आपके बीच में एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप होता है।
नंबर 3 SMO मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इसे आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो और आपके बिजनेस के नाम से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर अकाउंट बना सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन आदि, जहां पर आप रेगुलरली अपने बिजनेस के बारे में इंफोग्राफिक्स और वीडियो कॉन्टेंट्स पोस्ट कर सकते हो, जिससे आसानी से करोड़ों लोगों के पास आपके बिजनेस को पहुंचाने का जरिया मिल जाता है और पुल मार्केटिंग के थ्रू हजारों कस्टमर को आपके स्पा तक ला सकते हो। और अगर आप चाहो तो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से इसे करवा सकते हो। नंबर 4 क्रिएटिव ब्रांड प्रॉमिस मतलब आपका सर्विसेज के अंदर जो भी स्पेशियलिटी है उसे हाईलाइट करना, आपके हर एक ब्रांडिंग मटेरियल के माध्यम से, जैसे विजिटिंग कार्ड, स्टफ यूनिफॉर्म, स्टैंडी, ब्रोशर, लीफलेट, बैनर, वेबसाइट हेड सेक्शन आदि, इसे प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए, क्योंकि इसी से ही एक स्टार्टअप बड़ा ब्रांड बनते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा यह सब करवाने में बहुत सारे खर्चा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बताया गया सारे एक्टिविटीज को आप 5000 रुपए प्रति महीना से भी कम के खर्च में किसी भी अच्छा एजेंट्स के माध्यम से कर सकते हो, जो कि आपके बिजनेसेस के अंदर चाय नाश्ता से होने वाले खर्चे से भी कम है। और इन सारे काम हम क्विक सेटअप कंपनी के माध्यम से भी करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हो, नंबर है 8850749657, और विजिट करें www.quicksetup.co.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।